Sí, pero sano, mano. अभी यहाँ बापो पुरानी गेम्स खेल रहे हैं और निमा को सिखा रहे हैं ये गरिये की गेम। ये देखिए, ये बापो सिखा रहे हैं नीव को कि कैसे बीटना है, ये सब कुछ करना है। तो नीव भैया चाव से देख तो रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है सब कुछ उससे। ये सिर्फ डोका हिला रहा है नीव। अभी ये रंजीत का टर्न है। देखिए रंजीत ने कितना बेहतरीन गरिया घुमाया है, उसी की तरह घूमता ही जा रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा घुमाया है। उसे ज़्यादा प्रैक्टिस है तो अच्छा आता है घुमाने का। ये बहुत ही पुराने गेम्स थे। तो दोस्तों अभी मम्मी यहाँ पे नारियल गिरा रही है, हम का टका ना फूट जाए तो अच्छी बात है। दो तो अभी गिर गए हैं। अरे भाई ओके ओके, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ अभी हम यहाँ पे आ सकते हैं तो क्या बात है। ओके यहाँ पे रंजीत का निकाल रहे हैं। ठीक है ये ऊपर का तो निकल गया, अभी बापा करेंगे। बापा ध्यान से। ठीक है तो यहाँ पे अभी हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर का छिलका निकला जा रहा है। देखिए ये पानी जो नारियल का है वो नीव ने निकाल कर पी रहा है ये सोते सोते। किसने निकाला? बापा ने। बाप और कैसा है टेस्ट वाइज? अच्छा है, बाहर वाला होता है ऐसा? कड़वा कड़वा नहीं नहीं है, मीठा मीठा है। अभी ये बन रही है पाव भाजी। तो देखिए ये मसाला रेडी है। आज हमने रेसिपी नहीं बताई है आप लोगों को, सिर्फ ऐसे ही बना के दिखा रहे हैं, क्योंकि आज इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि आपको दिखा सके। तो बस ये पाव भाजी का जो सब सब्जी होती है, पोटैटो बैंगन और दूधी, ये जो कुछ भी सब्जियां होती है, टोमेटो गार्लिक जितनी हम डालते हैं, ये सारी की सारी सब्जियां हमने डाली हुई है इसमें। गार्लिक का तो हमने इसमें पहले जो बखार करते हैं, हम आज बखार ही बोलेंगे, तो वो किया है पहले। जो भी किया हमको खाने से मतलब है। टोमेटो ये आप देख सकते हैं, पहले हमने ये थोड़ी सी स्पाइसी नहीं है, थोड़ी कम मिर्च वाली है, क्योंकि विजय को ज़्यादा मिर्च वाली अच्छी नहीं लगते, पहले उनके लिए निकाल लेंगे, फिर बाद में हमारे लिए ज़्यादा स्पाइसी बनाएंगे। अब हिलाती रहती हूँ क्योंकि
कभी कभार खाना पकाते पकाते कई सारी चीज जो हमने डाली होती है वो भूल जाते हैं क्या डाला क्या नहीं, तो सॉरी अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ी हो गई हो तो। और ये बघार ये सब कुछ कह रहे क्योंकि पहले इसको देखना होता है फिर बाद में ब्लॉग का, तो ये सब देखिए बना भी रहे हो और ब्लॉग भी बना रहे हैं, तो अभी थोड़ी स्पाइसी बनाकर फिर आपको दिखा देती हूँ। अभी ये देखिए थोड़ी स्पाइसी वाली है और ये कम स्पाइसी वाली, अब देख ही सकते हो अभी यहाँ बादशाह मसाला और ये सब कुछ ऐसे ही पड़ा है मसाला, और तो देख लीजिए। अभी रात के 12:30 बजे के आसपास बहुत ही बड़ा सांप निकला था, तो आप देख सकते हैं वो जो वाइट कलर का डबला पड़ा हुआ है उसके पीछे आप देख सकते हैं कि वो फेण चढ़ा कर ही बैठा हुआ है, आप इसे देख सकेंगे। अभी चलिए अभी ये पूरा दिख गया, देखिए कितना बड़ा है ये सांप है वो। ये मॉर्निंग टाइम में हमारा बिल्लो भी चुपचाप बैठा है, देखिए ये हमारे रंजीत का हम लोग है। हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी कल से शुरू होने वाली है नवरात्रि, तो नवरात्रि की भी प्रेपरेशन शुरू हो चुकी है। अभी विजय गरबा भी लेके आए हैं, चलिए आपको इस साल का हमारा जो गरबा है माता जी का वो दिखाती हूँ। देखिए ये कितना प्यारा गरबा है अभी हमारा, अभी इसकी स्थापना हम मंदिर में नहीं कर सकते हैं, लेकिन चलिए ये बहुत ही प्यारा एंटिक पीस है, मोती लगा के ऐसा गरबा आज तक नहीं आया है। पहली बार आपको मैं हमारे मंदिर का दर्शन करा रही हूँ, तो जो कि कल मैंने साफ सुफ करके रखा है क्योंकि नवरात्र के दिन में भगवान को भी अच्छे से रखना होता है। तो साल कुछ अलग सोचा है कि माता जी की अलग नीचे स्थापना करके वहीं पर गरबा रखेंगे, लेकिन देखते हैं अगर ऐसा हो पाता है तो ऐसा करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा सा दिखाऊंगी कल के व्लॉग में, यानी कि नवरात्र के दिन। तो कल का पूरा व्लॉग हम नवरात्रि स्पेशल बनाएंगे, और हाँ अगर हो सकेगा तो हर एक व्लॉग में हम अलग अलग गरबा गाएंगे। पहले स्तुति से स्टार्ट करेंगे हम माता जी की फर्स्ट डे। अगर आपको अच्छा लगा आपकी कमेंट रहे तो हर रोज़ गाएंगे, वरना कल स्तुति के साथ ही हमारा जो है कुछ वो रख देंगे। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या हर रोज़ गरबा गाना चाहिए या नहीं, क्योंकि माता जी के सामने तो हम गरबा करते ही हैं लेकिन अलग से, और माता जी के सामने जो गरबा करते हैं वो तो हम हर रोज़ आपको दिखाएंगे, तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा। फर्स्ट डे सारा डेकोरेशन ये सब कुछ जो हम करेंगे होपफुली करेंगे तो आपको दिखाएंगे, तो बने रहिएगा। और बस इतना ही आज कहना था, क्योंकि आज कुछ ब्लॉग में कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा और सोचने कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा है कि क्या और बनाए। तो आई होप आपको हमारा ये जो छोटा सा ब्लॉग है अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और हमें सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।